डरता सिर्फ अल्लाह से हूँ, बंदे से नहीं डरता हूँ। जो मेरे साथ किया वो सिर्फ अल्लाह देख रहा है भाई। मैंने किसी वजह से काम छोड़ दिया भाई। तो इन दोनों को साथ में आपने काफी सारी वीडियो में देखा होगा। अरे चचा दामाद जी आ गए हैं जरा। हाँ दामाद जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये कोई ब्लॉग नहीं है, तो ये आपने देखा होगा बहुत फेमस चेहरा है, इनकी शॉर्ट्स पे बहुत रीच है। तो मैं पहले इनसे मिलवाई देता हूँ, मुझे नाम वगैरह कुछ नहीं पता, बस मैं इनकी वीडियो देखता हूँ। हर करेक्टर में अलग अलग नाम होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? बढ़िया है मैं, आप बताइए। बस अल्लाह का शुक्र। ये मेरा टीम मेंबर है शमून ब्रो, नाम से ये फेमस है। माशाल्लाह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कैसे हैं? बस अल्लाह का रहम। कल से इंतजार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका। कल से सेट पे इंतजार हो रहा है, लेकिन कल वो थोड़ा डिले हो गया, आंटी को जाना था वली में। जी 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 जी। तो बहुत बड़ी एल्बम चचा के साथ हम करने वाले हैं, तो इनका अलग अलग करेक्टर में अलग अलग नाम होता है। तो सबसे पहले इनका नाम ही जान लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोबिन अलबी है जी। मैं एक फकीर खानदान से हूँ। मैं खासा नहीं भाई, एक फकीर खानदान से हूँ जी। भाई अच्छा लगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बुरी बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आप मुझे ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब एक्टिंग का बचपन से शौक था क्या था, आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में। मैं कुआरेपन से एक्टिंग करता था। सन 1986 से मैंने एक्टिंग शुरू करी थी। जी जी जी। अच्छा, फिल्म आई थी इल्जाम। अच्छा, उस वक्त गोविंदा की नई नई आई थी। गोविंदा के फैन है आप जी। वैसे तो हम मिथुन के रहे हैं, गोविंदा की एक वो जब वीडियो आई तो उसको देख कर हम एक्टिंग शुरू कर दी थी। अच्छा, अच्छा। जी जी। तो घर वालों ने कैसी सपोर्ट दी, क्या करा? घर वाले बड़े, मेरी वालदा जो थी वो हंसते थे, मेरे वालिद साहब आंखें मनाते थे। अच्छा, क्या करता रहता ये कुछ नहीं। जी 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 जी। अच्छा, तो अभी शादी के बाद क्या चेंजेस आए? फिर भी मैं एक्टिंग करता रहा। अच्छा, तो आपके साथ कोऑपरेट करा? अरे तो मेरी बीवी कह कर रही थी क्या, अरे यार कुछ नहीं है, बस उनको मैं समझाता रह कर था। जब मेरे दो बच्चे हो गए तो मेरी बीवी बोली अब तो जी काम छोड़ दो। मैंने कहा अच्छा भाई, आज से तौबा कर ली, नहीं करेंगे भाई, नहीं करा आज। अल्लाह माशा, मेरे 10 बच्चे हैं। अच्छा, 10 बच्चे। जी 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 जी। तो मतलब आप कब से फेमस होना शुरू किया, कब से ईशान भाई के साथ, ईशान भाई के साथ वीडियो बनाते हैं, तो ईशान भाई के साथ जर्नी कब स्टार्ट हुई? देखिए मैं सन 2020 से हुआ। अच्छा अच्छा। जी जी। वो भी मुंबई रहते थे पहले भाई? अगला कहता है बम्बई रहता है, मुझे तो मालूम नहीं बम्बई रहता क्या, कलकत्ता रहता भाई, मैं जो बात है। अच्छा अच्छा, समझिए आप। जी जी जी। अच्छा, तो उनके साथ कब 2020 से आपने स्टार्ट करा? जी जी। तो आपको कब पता चला कि आप वायरल हो गए हो? देखिए वायरल तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको बताऊं, एक आपने देखा होगा मैं नाली में गिरा था, लंगड़ वाली। जी 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 जी। वो वायरल हुई, उसके बाद दामाद जी हुई जी। फिर दामाद जी हुई, फिर दो ऐसी वीडियो वायरल होती चली गई, बकरीद वाली, वो सब वायरल हो गई मेरी। दामाद जी वाली करेक्टर का एक डायलॉग मार के सुना दिए जरा थोड़ा सा। तो फरमाइए कौन सा डायलॉग पूछेंगे आप मुझसे? वो दामाद जी आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप इतना तो कह सकते हैं चचा दामाद जी आ गए, इतना कह सकते हैं आप? हाँ कह सकते जी। अरे चचा दामाद जी आ गए हैं जरा। हाँ दामाद जी। ये है दामाद जी। कोई बात नहीं यार, तुम तो भतीजे हो ना यार, मेरे भतीजे थे भाई। भाई भतीजे से पहले मिलूंगा, दामाद तो बात हो। आप देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में मतलब कैरेक्टर होता है एक फनी वाला और एक खतरनाक वाले, भी इनके बहुत सारे कैरेक्टर आप देख सकते हैं। नाचू डाकू देख लो, नाचू डाकू देख लो, और एक वो भी है 10,000 रुपए का क्या करेगा। बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो अभी आप फेमस हो इतना, आपको लोग पकड़ते हैं, फोटो वोटो लेते हैं, तो कैसा लगता है? मुझे अच्छा लगता है, मुझे इज्जत देते हैं लोग यार, उनका शुक्र गुजार हूँ मैं, इतनी इज्जत मिलती है कि कम नहीं। अच्छा, तो आपको मतलब कोई ऐसा मोमेंट हुआ हो जिसमें आपको लगा हो यार लोग थोड़ा गलत करते हैं, मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं हेटर्स भी होते हैं। देखिए नमक हराम इंसान का संग कितना ही कर लो आप जी, जी। तो वो नमक हराम ही रहेगा। अच्छा अच्छा, समझे। डरता सिर्फ अल्लाह से हूँ, बंदे से नहीं डरता हूँ। अभी कितनी उम्र हो गई है काम करते करते इस लाइफ? मेरी 62 साल की उम्र हो गई भाई। अच्छा, 62 का हो गया मैं, अल्लाह माशा। अच्छा, अच्छा, चलिए। आपके कैसे टर्म्स वगैरह, मतलब कैसे रहते हैं सेट पे, सब बढ़िया चलता है एकदम? सब सही चलता भाई। अच्छा, मैंने किसी वजह से काम छोड़ दिया। अच्छा, वो समझ नहीं रहा है उस बात को, उसे तो अल्लाह ही समझेगा। तो आपने छोड़ दिया अभी? मैंने छोड़ दिया, मुझे दूसरा महीना चल गया भाई। अच्छा, तभी आप वीडियो में स्टार्ट? जी नहीं नहीं नहीं। चलो तो ठीक है, इंटरव्यू हो गया, बाकी अभी हम मिलवाते हैं अपनी टीम से उधर ले जाके। क्यों भाई, मुनीर भाई क्या कहते हो? देखो ऐसा तो हमारी, रुक जाओ रुक जाओ,
हमारी ऑडियंस के लिए कुछ कह दिए, हमें सपोर्ट करे भाई, जो भी कहना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, हाफिज साहब भी हमारे खड़े हुए, आप इन लोगों को सपोर्ट करो जी जी। और आप इनका चैनल देखो कितना अच्छा चल रहा, ये तो देखो अल्लाह मासू, इनका चैनल भी अच्छा चल रहा, ये लोग भी अच्छे हैं। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दे, ठीक है। तो अभी मिलवाते हैं चचा को टीम से, चलो भाई। हाँ, क्या फरमा रहे थे हाफिज जी आप? एक करेक्टर ये है हमारे नूर भाई, तो इन दोनों को साथ में आपने काफी सारी वीडियो में देखा होगा, तो ऑडियंस को बता दी कौन कौन सी वीडियो आपने की है मोटी मोटी ऐसी। मैंने तो बहुत सारी वीडियो की है, एक में मैक को मारा है, चाय में चीनी कम, अच्छा। एक में मैक को लेके भाग गया हूँ, अच्छा, अच्छा। एक में किसी का भाई बनाऊ, किसी का कुछ बनाऊ, मतलब हाँ। बहुत सारी, एक दो वीडियो नहीं की मैंने, कम से कम समथिंग 100 वीडियो इच्छा के साथ, नूर भाई के साथ, ठीक है। फिर होती है आपसे मुलाकात। आ जाओ भाई लोग, तो अभी हम चचा को ले आए हैं अपने फ्लैट पे, अपनी टीम से मिलवा लें। तो इनसे मिलिए, ये है हमारे भाई सलमान भाई। दो दिन से याद कर रहे हैं, घर से निकलते ही याद कर रहे हैं आपको। और ये है हमारे शब्बर भाई, इनका भी YouTube चैनल है। और ये ये फराज भाई हैं, ये सैम भाई हैं। बहुत सुना आपके बारे में, हम कुछ नहीं हैं, हम आपको आप लोगों के साथ में मैं क्या हूँ? अरे नहीं, कैसी बात, बैठिए बैठिए, आपके सामने बैठिए। नूर भाई हमारे यार, नूर भाई। और बेटा इधर आ जाओ, अमीर अभी इसका क्या सब बोला, ठीक है। आप बैठे हो मेन टेबल पे, सारा सैलरी और इसमें मुझे आप ये बता सकते हैं मेरे कै बेटे बन गए? बेटे बता दीजिए, मैं बता दूँ। आप रहोगे और मैं तो हूँ, आप मैं सारे टोटल कैरेक्टर बता दूँ, आप और आपकी वाइफ कैरेक्टर की बॉडी और एक बेटा आपने घर में, वो सारी बात मिलवाया है टीम से। और यहाँ समझाई जा रही है स्क्रिप्ट, सब लोग खड़े हैं, स्क्रिप्ट चल रही है। हर मुस्लिम को पसंद आता है टाइगर जिंदा है। सलमान भाई, सलमान भाई, सलमान भाई, टाइगर जिंदा, टाइगर जिंदा। आपका